हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है माँ पापा रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चंक्स की बहुत ही अम्मी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही झटपट से बन के तैयार होने वाली रेसिपी है, बिना झंझट के बहुत ही सिंपल तरीके से बेसिक मसाले से बना के तैयार करेंगे। तो मैंने ले लिया है एक बर्तन में पानी, फिर इसमें डालेंगे हम एक चम्मच नमक, फिर 250 ग्राम मैं सोया चंक्स ले रही हूँ। सोया चंक्स डाल के गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे, इसको बॉयल आने देंगे। देखिए ये अच्छे से बॉयल आ जाएगा, बॉयल आ गया है अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट बॉयल आने देंगे, फिर इसको हम छन्नी में निकाल लेंगे, सभी को पानी हटा देंगे। फिर इसको ठंडा होने के बाद हम इसको इस तरह से निचोड़ देंगे। देखिए बहुत ही ईजीली निचोड़ जाता है। इस तरह से निचोड़ने के बाद सभी को इसी तरह से निचोड़ लेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, फिर डालेंगे गरम मसाला, फिर इसमें डालेंगे 250 ग्राम दही। ये फ्रेश दही है, दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। फिर इसको हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी को इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम साइड में ढक के रख देंगे। फिर मैं लूँ धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च। फिर इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, तेल लेंगे एक पैन में, इसमें डालेंगे खड़ा वाला साबुत धनिया, फिर 1 चम्मच जीरा, फिर लेंगे हम इसमें लहसुन और अदरक को। फिर इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे हाई फ्लेम पे। 2 मिनट के बाद इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्च, फिर इसको भी 2 मिनट के लिए चला लेंगे। देखिए 2 मिनट के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर को भी डाल के थोड़ा सा पका लेंगे। देखिए इस तरह से पका लेंगे। देखिए टमाटर के भी कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, मैं मतलब कि रफले तोड़ दी हूँ, हरा धनिया डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, फिर इसमें डालेंगे गर्म मसाला, फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे, अच्छे से मसाले सभी मिक्स हो जाए, थोड़ा से सूखा सूखा ना हो। फिर इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए और फिर से भून लेंगे। फिर गैस को बंद कर देंगे, फिर इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम पीस लेंगे। देखिए इसको बारीक बारीक पीस ली हूँ मैं। अब लेंगे हम एक पैन, इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल, फिर इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, लौंग, इलायची और दालचीनी, ये सब डाल के हम इसको अच्छे से भूनने देंगे। फिर इसमें डालेंगे सभी मसाला को। मसाला डालने के बाद इसको कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको भून लेंगे हाई फ्लेम पर। देखिए इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए सूख गया है थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे सोया चंक्स को। सोया चंक्स जो मैरिनेट करके रखे थे ना, इसको डाल देंगे। सभी को डालने के बाद इसको कंटिन्यू हाई फ्लेम पे पका लेंगे। 2 से 4 मिनट के लिए इसको कंटिन्यू पका लेंगे, जब तक कि ये दही थोड़ा सा सूख ना जाए। देखिए ये अच्छे से मतलब भून रहा है। अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद इसको ढक्कन हटा लेंगे, फिर इसको फिर से भून लेंगे। देखिए जब तक इसका तेल ना छोड़ दे तब तक इसको हम भून लेंगे। मसाला अच्छे से सूख जाए तब तक भूनेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम में ही इसको भूनेंगे। देखिए लगभग सूख गया है, मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। इसमें मैं गर्म पानी रखी थी दूसरे गैस में, अब पानी डालेंगे। लगभग मैं 2 से 3 गिलास पानी डाल रही हूँ, जो नॉर्मल गिलास होता है उसी से। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद, बॉयल आने के बाद इसमें हम थोड़े से डालेंगे नमक। पहले भी हम नमक डाले हुए हैं, फिर इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसको ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट एकदम लो फ्लेम पे पकने देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद ढक्कन हटा लेंगे। फिर इसको देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही गाढ़ा सा रसिया बनके तैयार हो गया, बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरीके से आप भी रेसिपी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। फिर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, फिर इसको मिक्स कर देंगे। फिर इसको हम गरम गरम सर्व करेंगे। आप चाहे से रोटी साथ खाएं, चावल साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह रेसिपी बनाने में बहुत ही सिंपल है। यह रेसिपी को बहुत ही शौक से खाएंगे। यह रेसिपी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है, बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरी हिम्मत बढ़ती है दोस्तों। थैंक यू।